हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडीज एक ऑन एयर देन एक ऑन एयर के साथ। आज मैं राजस्थान की बहुत ही फेमस मलाई घेवर की रेसिपी शेयर करूंगी। घेवर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने चीजें बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ली है तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आप बिना मोल्ड के इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आज की स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चाशनी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था और अभी मैं इसमें हाफ कप शुगर ऐड करूंगी। शुगर को हम बिल्कुल मेल्ट होने तक पकाएंगे। हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्के से स्टिकी सी चाशनी बनानी है। तो अभी हम इसे मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार ली है और इसमें मैं केवल 2 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। ये होममेड देसी घी है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स ऐड करूंगी और एक बार इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो घी है वो बिल्कुल बटर जैसा हो गया है, दानेदार सा। तो अभी मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध ऐड करूंगी। एकदम ठंडा दूध ऐड करना है। इसमें जो भी चीजें हम ऐड करेंगे वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो अभी एक बारी मैं इसे फिर से ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देखिए, ये बिल्कुल एकदम बटर जैसा, एकदम क्रीमी सा हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें 1/2 कप जितना मैदा ऐड करने वाली हूँ। तो मैदे को एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे 3 से 4 बार में। तो एक बारी मैं फिर से इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देखिए। तो अभी मैं इसमें एक बारी फिर से मैदा ऐड करूंगी। इसका जो बैटर है ना, वो अगर आपने परफेक्ट बनाया तो आपका जो घेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो एक बारी मैं इसे फिर से ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, एकदम क्रीमी सा हो गया है। तो बाकी के बचे मैदे को भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी। इससे ज्यादा बेसन नहीं ऐड करना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एकदम चिल्ड पानी ऐड किया है और एक बारी फिर से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो एकदम लास्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगी और एक बार इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं इसे थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही पोरिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में एकदम चिल्ड पानी ले लेंगे और इस बोल को इसमें हम रखेंगे। ये जो बैटर है ना, वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म हो गया तो फिर आपका जो घेवर है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है और घेवर को हमें एकदम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मैं जितना बड़ा घेवर चाहिए आप उस हिसाब से कढ़ाई में ऑयल लें। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर ऐड करूंगी। अगर आपके पास नोजल वाले बॉटल है तो उससे आप बैटर ऐड करें तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। और बीच बीच में ऐसे बेलन के हेल्प से मैं ऐसे बीच में होल करते जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इस घेवर को पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है क्योंकि कढ़ाई में बनाना थोड़ा सा इजी होता है। बैटर डालने पे जब ये ऊपर बर्स करता है ना, तो कढ़ाई में इसे मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो घेवर है वो फ्राई हो गया है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे घेवर को थोड़ा सा क्रिस्पी किया है क्योंकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी घेवर पसंद है। आप चाहे तो इसे थोड़े से व्हाइट रहे तभी निकाल लें। आप जब फर्स्ट टाइम घेवर बनाते हो सकता है कि एक या दो घेवर आपका खराब हो जाए, बट आपको इससे पैनिक नहीं होना है। 1 से 2 बार में आपका घेवर फिर परफेक्ट बनने लगेगा। तो ये चीजें मैंने भी फेस करी है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा जो घेवर है वो फ्राई हो गया है। अभी हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घेवर है वो बिल्कुल रेडी है। आप देखिए, एकदम परफेक्ट घेवर बनी है, एकदम क्रिस्पी सी। तो अभी ऊपर से मैं यहाँ पे शुगर सिरप ऐड करूंगी। कुछ लोग इसे ऐसे ही प्लेन घेवर खाना ही पसंद करते हैं, बट मलाई घेवर की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने रबड़ी बनाया है, तो मैंने रबड़ी पहले ही बना लिया था। ऊपर से मैं रबड़ी अप्लाई करूंगी। आपको होममेड रबड़ी की भी रेसिपी मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। आप ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से रबड़ी अप्लाई कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं ये केसर के धागे ऐड करूंगी। आप चाहे तो केसर को रबड़ी में भी ऐड कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से मैं इसे डेकोरेट करूंगी। दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल करेंगे। तो मेरी होममेड मलाई घेवर बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा यमी रेसिपी है और बनाना तो आपने देखा है कि कितना ज्यादा आसान है। आज की ये रेसिपी देखने के बाद घेवर बनाना आपको आसान लगने लगेगा। तो आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।